हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग हम 24। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए। तो जैसा कि थंबनेल आप देख ही रहे होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। तो देखिए, इससे रिलेटेड अभी तक हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो वे सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगा जी, ऐसा नहीं कहीं किसी न्यूज़पेपर से पढ़कर हमने कोई ऐसी वीडियो बनाई गई है। तो बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगा और इसमें बाकायदा कितनी वैकेंसी भरी जाएंगी, किस मनवृत्त को कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है और आपका शेड्यूल क्या रहेगा, कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और देखिए, इससे हम जब जे इसका जितनी जानकारी तो अभी हमारे पास है उतनी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे जैसे देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एक या दो दिन में आ जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका जो फिज़िकल होगा उसमें कितनी दौड़ होगी, क्या क्या जो भी मेज़रमेंट कैसा कैसा रहेगा, तो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक। परंतु इसमें आपको ये सारी जानकारी बताई जाएगी कि कब तक भरी जाएगी और कितनी वैकेंसी भरी जाएगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब फिज़िकल होगा और कब इंटरव्यू, सब कुछ जी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। और बिल्कुल ऑफिशियल स्टेट जो भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, जो कंटेंट लेकर आते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल होता है। तो इसके लिए आप ज़रूरी होगा कि आपके लिए कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, लिखा गया कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड अगेंस्ट डायरेक्ट कोटा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये तो आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कितनी भरी जाएंगी, कितनी पोस्टें निकाली गई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो 113 पद इनके भरे जाएंगे वन रक्षकों के। तो देखिए, किस वनवृत्त को कितनी वैकेंसी दी गई है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, धर्मशाला जो वनवृत्त है। देखिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट नहीं सोचना आपने, वनवृत्त, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट किसी वनवृत्त के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर जहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम देखने को ना मिले तो ऐसा नहीं सोचना कि इस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जैसे जहाँ पर ऊना आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊना हमीरपुर वनवृत्त के अंतर्गत आता है, यानी कि हमीरपुर सर्कल के अंतर्गत आता है। तो आप वैकेंसी आप देख सकते हैं कि धर्मशाला 18, हमीरपुर 13। देखिए, अभी तक इसका जो पूरा नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया, परंतु वो भी एक आज या कल रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। तो जी, आप देख सकते हैं कि किस वनवृत्त को कितनी वैकेंसी दी गई है। और दीज पोस्ट आर टू फील्ड अप एट सर्कल लेवल इन अकॉर्डेंस विद HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड Class 3 नॉन गेजेटेड एग्जीक्यूटिव सेक्शन रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स नोटिफाइड वाइड। तो ये तो आपके लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। और देखिए, इसमें लिखा गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरह से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट दे रखी www.hpforest.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप साइन और डेट देख सकते हैं। और देखिए, शेड्यूल भी पहले से निर्धारित कर रखा है। देखिए, इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, उसमें भी शेड्यूल निर्धारित कर रखा था, परंतु इलेक्शन की वजह से उसे आगे पीछे किया गया। परंतु जो शेड्यूल पहले से निर्धारित कर रखा होता है लगभग, तो उस पर ही आपका फिजिकल एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक। तो सबसे पहले आप नंबर 3 पढ़िएगा कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा आपको, और 24 अक्टूबर से लेकर आप 8 नवंबर 2019 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा डेट फॉर फिजिकल टेस्ट। आपका फिजिकल टेस्ट देखिए 11 दिनों तक चलेगा। आपको पता है कि अलग अलग वनवृत्तों का अलग अलग दिन होगा, तो वो होगा आपका 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2019 तक। इसके बीच आपका जिस भी आप सर्कल से हमने भरा होगा फॉर्म, तो एक दिन आपका भी इसी डेट के बीच किसी ना किसी दिन होगा। नेक्स्ट है देखिए 8 नंबर, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट। तो देखिए, रिटर्न टेस्ट तो एक ही दिन होगा पूरे हिमाचल में, तो वे होगा 22 दिसंबर 2019। तो जे भी आप याद रखेंगे, 22 दिसंबर 2019 कब होगा आपका रिटर्न टेस्ट, 22 दिसंबर 2019 को, और एक ही दिन होगा पूरे सभी सर्कलों के लिए एक ही दिन। तो देखिए, आपको तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही करना कि कितना समय हमें रहा है, हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखिए, नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, देखिए बाकी तो
14 नंबर पढ़िएगा कि कंपाइलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। आपका जो फाइनल रिजल्ट यानी कि सब इंटरव्यू फिजिकल मेरिट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा वे किया जाएगा 17/1/2020 या 18/1/2020 यानी दोनों में से किसी भी एक दिन में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट जिनको जॉब मिल जाएगी फाइनली। तो देखिए ये जानकारी थी आपके लिए, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अभी देखिए जब भी जैसे जैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो भी हमें इसकी सूचना मिलेगी बिल्कुल ऑफिशियल तो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और देखिए इसकी हम क्लासेस भी शुरू करेंगे जैसे कि हमने पटवारी की क्लासेस शुरू की हैं बिल्कुल डिटेल वाइज। और जब आप पटवारी का एग्ज़ाम देखिए देकर आएंगे तो उससे पहले तो इसका ही हो जाएगा तो उसकी मैथ की क्लासेस उसकी एचपीजी के देखिए एक ही बात है अगर वो पढ़ेंगे आप तो इसकी तैयारी भी उतनी ही होगी क्योंकि मैथ मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल क्लासेस लगाई। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई मैथ अलग होगा इसके लिए कोई मैथ अलग हो इसके लिए एचपीजी के कोई अलग जाए इसके लिए एचपीजी के कोई अलग तो वे भी आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल। इसीलिए हमने बिल्कुल डिटेल में लगाई हैं क्लासेस बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिटेल में समझाया गया है ताकि सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लासेस ना रह जाएं ताकि आप किसी भी और एग्ज़ाम की देखिए हमारा थंबनेल उस पर पटवारी का ही लगा हुआ है परंतु आप उससे इसकी तैयारी भी कर सकते हो साथ साथ में हम इसकी भी अलग से वीडियो डालते रहेंगे। तो जैसे इसके रिलेटेड आगे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी तो इसे ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी सूचना मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।